प्रचार के रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी और बिहार में प्रचार कर रहे हैं। शुरुआत उन्होंने बिहार के चंपारण से की है, जहां पर निशाने पर उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी को लिया है। 21वीं सदी का भारत इंडी गठबंधन के पापों के साथ आगे नहीं बढ़ सकता। और इसलिए हर चुनाव में कांग्रेस आरजेडी जैसे दलों पर जनता जोर का प्रहार कर रही है। 4 जून को इंडी वालों के इरादों पर सबसे बड़ा प्रहार होगा। ये प्रहार होगा देश में भ्रष्टाचार पर, ये प्रहार होगा तुष्टीकरण की राजनीति पर, ये प्रहार होगा टुकड़े टुकड़े गैंग पर। गृहमंत्री अमित शाह जो है वो आज ओडिशा में प्रचार कर रहे हैं। ओडिशा में आज गृहमंत्री अमित शाह की 4 जनसभाएं। गृहमंत्री अमित शाह ने संबलपुर से चुनाव प्रचार की शुरुआत की। संबलपुर से धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी के उम्मीदवार हैं। शाह ने संबलपुर में कहा कि बीजेपी के राज में देश में विकास की रफ्तार तेज हुई है। मैं आज कहकर जाता हूँ, समग्र ओडिशा का सम विकास हो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है। आज भी 27 लाख परिवारों के पास घर नहीं है। मोदी जी ने जब पानी देना शुरू किया उसके पहले तक सिर्फ 3.5% लोगों के पास पानी था। मैं आज कहकर जाता हूं, आप भाजपा सरकार बना दो, 4-4 आने का रत्न भंडार का हिसाब हम एडवर्टाइज कर उत्कल भाइयों बहनों के सामने रखेंगे। अमित शाह दोपहर 2:15 पर ढेका नाल में जनसभा करेंगे। शाम 4 बजे शाहपुरी में जनसभा करेंगे। और देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज बीजेपी पर निशाना बोला है, ये कहते हुए कि साहब गृहमंत्री आम आदमी पार्टी के समर्थकों को पाकिस्तानी बताकर उनका अपमान कर रहे हैं। होता जा रहा है कि 4 जून को मोदी सरकार जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, और जो अब सर्वे के फाइंडिंग्स आ रहे हैं उसे साफ जाहिर है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन को अपने दम पे 300 से ज़्यादा सीट मिल रही हैं। कल अमित शाह जी दिल्ली आए थे, उन्होंने देश के लोगों को अनर्गल गाली गलौज करना चालू किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के सपोर्टर पाकिस्तानी हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, दिल्ली के लोगों ने हमें 62 सीट 56% वोट शेयर दे के सरकार बनाई है। पंजाब के लोगों ने हमें 92 सीट्स दे के सरकार बनाई है। गुजरात के लोगों ने हमें 14% वोट दिया। क्या इस देश के सभी लोग पाकिस्तानी हैं? ये क्या बात कर रहे हैं आप? आपको प्रधानमंत्री जी ने अपना वारिस चुना है, इस बात का आपको इतना अहंकार हो गया? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।